दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की आप तैयारी कर लीजिए, क्योंकि सावन के पवित्र महीने में इन पांच राशि वालों को साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। इन पांच राशि वालों पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसने जा रही है। भगवान भोलेनाथ इन पांच राशि वालों पर इस प्रकार से मेहरबान होने जा रहे हैं, जिसके बाद इन पांच राशि वालों को न केवल इनके जीवन में इनके भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि जीवन की हर प्रकार की समस्याओं से, दुखों से, परेशानियों से इनको हाथों हाथ मुक्ति मिल जाएगी। मान के चलिए दोस्तों, इन पांच राशि वालों के जीवन में इनको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको सरल भाषा में अगर बताएं तो सावन का यह पवित्र महीना इन पांच राशि वालों के लिए बंपर लॉटरी का महीना होने वाला है, जिसमें इनकी बंद किस्मत के ताले को चाबी लगने जा रही है। और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की इनको वो असीम कृपा मिलने जा रही है, जिसके बाद अब इनके जीवन में इनको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आप किसी भी वेद पुराण को उठा करके देख लीजिए या किसी भी हिंदू ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, आपको यही पता चलेगा भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम महीना होता है। और इस दौरान कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को सच्चे दिल से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ उसकी अवश्य ही सुनते हैं। तो इसीलिए आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2023 का सावन महीना एक महीने का नहीं होगा, बल्कि दो महीने का होने वाला है। यह जो शुभ योग बना है, यह पूरे 19 साल बाद बना है। कहने का मतलब यह है, सावन महीने में जो सोमवार के व्रत रखे जाएंगे उनकी संख्या चार नहीं होगी, बल्कि इस बार आठ होने वाली है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी सावन का महीना दो महीने का होता है, उस दौरान किए गए पूजा पाठ उपाय दान पुण्य से आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है, और आपको भगवान भोलेनाथ का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वैसे तो सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है, लेकिन कहा जाता है कि सप्ताह के अगर सोमवार को आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है। लेकिन दूसरी तरफ महाशिवरात्रि हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया, इस दौरान भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। और सावन के पवित्र महीने में जिस भी राशि वालों को भगवान भोलेनाथ अपना आशीर्वाद दे देते हैं, उन राशि वालों को पूरे साल फिर धन और अन्न की कमी नहीं होती है। उनका पूरे साल किस्मत इस प्रकार से साथ देती है कि वो जिस काम में भी हाथ डालते हैं उस काम में सफल हो जाते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, कि भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से तुरंत ही तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है, तो उस व्यक्ति से भगवान भोलेनाथ इस प्रकार से रुष्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपकी राशि भी इन पाँच राशियों में से है जिनको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, और आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को आपको अपनी राशि के अनुसार वह उपाय करने होंगे। शिवालय जाकर के भगवान भोलेनाथ को वो चढ़ाना होगा जिसके बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, और उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि अगर आपकी भी राशि उन भाग्यशाली पाँच राशियों में से है जिनका जीवन इस सावन के पवित्र महीने के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, तो आपको इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाकर के वह चीज़ें अवश्य ही भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी होंगी जो आपको हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए देखिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सावन के पवित्र महीने में आप करके कोई लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो जो सबसे पहली राशि है जिसका जीवन इस सावन महीने के पवित्र महीने के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, वो है मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के बारे में साफ साफ बताया जा रहा है कि ये जो सावन का पवित्र महीना है, ये आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लेकर के आने वाला है। आपके कारोबार में आपको बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आपके जीवन में आपके जीवन साथी के माध्यम से भी बड़े धन संयोग बन रहे हैं। आपके जीवन में, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, अब आपकी नौकरी भी लग सकती है। आप लंबे समय से जिस बीमारी से जूझ रहे थे, अब आपको उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। अब आपको प्रत्येक सोमवार को क्या करना होगा, आपको प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाना है, भगवान भोलेनाथ को एक लोटा शुद्ध गंगा जल चढ़ाना होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। गंगा जल आपको चढ़ाना कैसे है, शिवलिंग पर आपको ये गंगा जल तभी चढ़ाना होगा जब आपका मुख उत्तर की तरफ हो। अगर आपने सावन के इस प्रत्येक सोमवार को यह उपाय कर लिया, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दूसरी खुशनसीब राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है दोस्तों, वो है
सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि इस सावन के पवित्र महीने के बाद आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा चमत्कारी बदलाव देखने को मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी में जो आपका मामला चल रहा था वहां पर आपको जीत मिल जाएगी। धर्म कर्म में तो आपकी रुचि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल जाएगा। और अगर आप कोई नया व्यापार इस सावन के पवित्र महीने में शुरू करते हैं तो मान के चलिए आपका व्यापार में बहुत तेजी से आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि इस सावन के पवित्र महीने में आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, अपनी वाणी से लोगों के दिल को जीतने की कोशिश करें। और आपको इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और वहां पर एक एक बेलपत्र चढ़ाना है। अगर आप इस सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को शिवालय जाकर के शिवलिंग पर एक एक बेलपत्र चढ़ाएंगे, इससे भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहेगी और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरी खुश नसीब राशि तो है दोस्तों कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं, अटका हुआ पैसा भी वापस मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जहां पर आपको जीत हासिल होगी, आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद इस सावन महीने से आपके ऊपर इस तरीके से बनने जा रहा है जिसके बाद आपके जीवन में अब आपको कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा। आप अपने जीवन में लंबे समय से दुखों से, परेशानियों से घिरे हुए थे, हर प्रकार के दुख और परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बताया जा रहा है भौतिक सुखों के साथ साथ आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में हर प्रकार के योग बन रहे हैं कि आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अब आपको क्या करना होगा प्रत्येक सावन के सोमवार को, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें होगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों धतूरा, इसी प्रकार से आपको सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और भगवान भोलेनाथ को एक धतूरा अर्पित करना है। अगर आप कन्या राशि के हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने सावन के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को इस प्रकार से धतूरा चढ़ा दिया तो भगवान भोलेनाथ का आपको वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी प्रकार से अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में अब आपके जो ग्रह हैं वह आपका इस प्रकार से साथ देंगे कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। बताया जा रहा है कि आपका जो व्यापार है जो काफ़ी दिनों से ठप पड़ा हुआ था, इस सावन के पवित्र महीने से उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। आपके जीवन में तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो जो आपने कर्ज लिया था, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, अब उस कर्ज के माजाल से आप लोग बाहर निकल करके चले आएंगे। आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आपको प्रत्येक सोमवार को क्या करना होगा, आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और वहां पर एक लोटा दूध भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ को एक लोटा दूध अर्पित कर दिया तो आपके जीवन में कभी भी आपको दुखों का, संकटों का, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशि के हैं तो आपके मकर राशि के बारे में बताया जा रहा है प्रॉपर्टी, वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। आप लोग कोई नया व्यापार अगर इस सावन के पवित्र महीने में शुरू करते हैं उसमें तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। व्यापार के द्वारा आपके जीवन काल में बहुत सारा धन भी आएगा। लंबे समय से आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे, उस बीमारी से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में अब धन योग भी बन रहे हैं और धन आने के सारे रास्ते भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए।